राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। बादल। एक दिन भरत पाठशाला से घर आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगीं। भरत भागता हुआ घर पहुंचा। फिर भी वो भीग गया था। भरत को देखते ही पिताजी बोले, हाँ? जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कपड़े बदलते हुए भरत सोचने लगा, आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? उसने सोचा पिताजी से पूछना चाहिए। वो कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है? बादलों से। पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण ये ऊपर उठती है। ऊपर होती है ठंड। ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। वहां माँ चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी थी। केतली के मुंह से भाप निकल रही थी। भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। इस गिलास को वे भाप के पास ले गए। कुछ देर गिलास को वही पकड़े खड़े रहे। भरत ने देखा गिलास पर से
पानी की बूंद टपक रही है। भरत सब कुछ समझ गया। वो बहुत खुश था। बादल। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार अरिदमन शर्मा, प्रवीण शर्मा और गौरव। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और तनु। तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।